हमेशा से ऐसा ही है, कुछ लोग कूक्स थे और कुछ पोक्स। कुछ लोगों के पास है सब कुछ और कुछ के पास कुछ भी नहीं। हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है, लेकिन अब और नहीं। मेरे डैड और मेरे लिए मर्चेंट गोल्ड उसी का हिस्सा था, अपने हालातों से जीतने का, पोक्स की जीत का। पर कभी कभी ये उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है, क्या वो खजाना हमारी आजादी था या एक जाल? यहाँ क्यों हूँ मैं? तुम सच में नहीं जानती है ना, तुम्हारे दोस्तों के पास कुछ ऐसा है जिससे मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए, एल डोराडो। और तुम्हें बता दूं मेरी दोस्त, वो मेरी डेस्टिनी है। डैड, बेटा, तो हम एल डोराडो जा रहे हैं। उसमें उन्होंने एक मूर्ति और एक सोने के शहर के बारे में बताया। करिए कि एक और बड़ा खजाना है। जो मेरा है वो मुझे चाहिए, वो जिस पर मेरा हक है। वैसे हम साथ में इतने भी बुरे नहीं लगते। आपने मुझसे कहा था अब कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। जो भी तुम कहो। मैं बस ये कह रहा हूं कि अब मुझे आपकी जरूरत है। हम एल डोराडो जा रहे हैं। मतलब पीछे की तरफ से हमें घुसना हो? सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सही कहा, हमारी जोड़ी जय हो से कम नहीं है। कमाल कर दिया हमने।